चलो सब लोग आ जाओ, फिर करते हैं आज की शुरुआत। कैसे हैं आप सब लोग? लेट मी नो सर, बढ़िया है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ लेट स्टार्ट सर। ठीक है सर, कर दिया जाए सेशन को शुरुआत, सेशन की शुरुआत कर दी जाए। एक बार सेशन लाइक कर दो जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, कृपया करके। अभिमन्यु कुमार गुप्ता, वेलकम टू द सेशन अभिमन्यु। एक क्वेश्चन में सर, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, जानदार है, बहुत बढ़िया है। अभिमन्यु कुमार गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जरा इस क्वेश्चन को देखो। स्टडी दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। द रेडार ग्राफ गिवन बिलो सो द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इन द फाइव डिफरेंट रिवर। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु। सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? मुझे बताओ सब लोग एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? काजल गुप्ता, राहुल गुप्ता, वेलकम टू द सेशन। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या दिया हुआ है। देखो ना, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन से क्या दिखाया गया है? ब्लू लाइन से दिखाया गया है अपस्ट्रीम स्पीड। क्या दिखाया गया है? ब्लू लाइन रिप्रेजेंट फॉर अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोट माइनस में स्ट्रीम। होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे? बोट माइनस में स्ट्रीम होता है कि नहीं होता है? अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है? बोट माइनस में स्ट्रीम होता है। और रेड लाइन से क्या डिनोट किया गया है? रेड लाइन से क्या डिनोट किया गया है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। रेड लाइन सेट, जो रेड लाइन से हमारी, वो क्या डिनोट कर रही हैं? स्ट्रीम डिनोट कर रही हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, एक बार डेटा नोट कर लें हम लोग, डेटा नोट कर लें आप लोग कहो तो। चलो डेटा नोट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गंगा, यहाँ लिख लेते हैं यमुना, यहाँ लिख लेते हैं सतलुज, बनाओ सब लोग अपनी कॉपी पे, यहाँ लिख लेते हैं ब्यास, यहाँ लिख लेते हैं सिंधु। सबने लिख लिया? सब लोग बनाओ जरा ये कॉलम अपनी कॉपी पे बनाओ। ठीक है, क्या करोगे सर, क्या करोगे सर, क्या करोगे सर? सर आपको यहाँ पे चार कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाने हैं? चार कॉलम बनाने। कितने? चार। अब क्यों बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक, क्या बनाएंगे सर हम इसके अंदर? सर एक स्पीड लिखेंगे, बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? बोट, स्ट्रीम, डाउन, अप। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ना, कुछ तो बोलो, सुन पड़ गए आप लोग तो। आपको क्या करना है? चार कॉलम बनाना है जिसके अंदर आपको लिखना है बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड। क्लियर है? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सुमन कुमारी एंड सुरेश, चलिए मुझे बताइए। ठीक है सर, क्लियर है सर, क्या करेंगे? सर ये ब्लू लाइन क्या डिनोट करती है? अपस्ट्रीम की स्पीड डिनोट करती है। क्या हो रहा है? अभी मिला आपका क्लास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, चिंता बिल्कुल मत करो आप लोग, दोबारा एक्सप्लेन मैं कर दूँगा, चिंता मत कीजिए। दोबारा समझाऊँ मैं, दोबारा समझाऊँ दिया क्या क्वेश्चन में, बताओ सब लोग एक बार। ठीक है, अरे भैया क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है सर, क्वेश्चन में आपको पांच रिवर के नाम दे रखे हैं। कौन कौन से रिवर? सर रिवर है गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास एंड सिंधु, और इन रिवर्स के अंदर दो लाइनें दी गई हैं, अपस्ट्रीम स्पीड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसके लिए हमने ये चार कॉलम बनाया है जिसके अंदर हमने बोट की स्पीड लिखनी है, स्ट्रीम की स्पीड लिखनी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिखनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड लिखनी है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने, क्लियर हुआ मुझे बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है? सर आपको एक स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है जिसपे मैं स्टार कर रहा हूँ, वो दिया हुआ है, और एक अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है ना? ठीक है, लिख लेते हैं एक एक करके।
सर अपस्ट्रीम की स्पीड जो दे रखी है वो ब्लू लाइन से दे रखी है। देखो ना ब्लू लाइन की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, ये कितना है, ये कितना है मुझे बताओ, 8 है तो यहाँ लिख देंगे 8। ये कितना है, 7.5 है तो कितना लिख देंगे, 7.5। ये कितना है, 6.5 है तो कितना लिख देंगे। ये कितना है, 9.5 है तो कितना लिख देंगे, 9.5। और ये कितना है, 8.5 तो लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे तो मुझे बताओ, कोई डाउट है नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, चल। अच्छा ये रेड वाली लाइन किस चीज़ से दे रखी है, रेड वाली लाइन, सर रेड वाली लाइन स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है। स्ट्रीम के अंदर लिखेंगे कितना गिवन है, डेढ़ गिवन है, यहाँ पे डेढ़ लिख दो, 1.5। यहाँ पे कितना गिवन है, 2.5। यहाँ पे कितना गिवन है, 2। यहाँ पे कितना गिवन है, 4। और यहाँ पे कितना गिवन है, क्लियर हो गया सबको, डेटा क्या गिवन है मुझे बताओ, सबको क्लियर है डेटा क्या गिवन है, सबको क्लियर है मुझे बताइए, हाँ या ना, कोई डाउट है अभी तक। जो डेटा दिया है वैसे मैंने लिख लिया, जिस तरीके से डेटा हमें गिवन था उस तरीके से डेटा को मैंने लिख लिया, डेटा में जो गिवन था लिख लिया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओगे आप लोग, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है बोट माइनस में स्ट्रीम, बोट माइनस में स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या निकलेगी मुझे बताओ, बोट की स्पीड निकलेगी अपस्ट्रीम स्पीड प्लस में स्ट्रीम की स्पीड, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो बोट की स्पीड निकाल लो, 8 प्लस डेढ़ कितना हो जाएगा, 9.5, 7.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 10, 6.5 और 2 कितना हो जाएगा, 8.5, 4 और 9.5 कितना हो जाएगा, 13.5 और 4 और 8 12 और 1 13 हो जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है हाँ या ना। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला, सर बोट प्लस में स्ट्रीम होगा, क्या होगा डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला, क्या होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होता है बोट प्लस स्ट्रीम। तो इसमें हम एक बार और स्ट्रीम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम आ जाएगा ना, तो 9.5 और 1.5 कितना होता है सर, ये होता है हमारा 11, ये कितना होता है 12.5, और ये कितना होता है 10.5, और ये कितना होगा 17.5, और ये कितना होगा। यहाँ तक किसी का डाउट, टेलीग्राम में लिंक दे दो, टेलीग्राम का लिंक दे दिया करो सर, ठीक है साक्षी मैं लिंक दे दूंगा, चिंता मत करो आप, फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करो, मुझे बताओ सबको बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड समझ में आ गया। स्मृति एंड AK वेलकम टू द सेशन, बताइए सब लोग मुझे बताइए यस और नो, ईच वन ऑफ यू, आ गया समझ में, सब लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया ये डेटा, क्योंकि मैं अब मिटा दूंगा इसको, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मिटा दूं, नोट करना है किसी को तो कर लो, जिसने नोट करना है इस डेटा को नोट कर लो, क्योंकि इसको मिटाने वाला हूं मैं। ये बोट की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, डन, किसी के पास कोई डाउट नहीं है। चलो तो पहले क्वेश्चन का आंसर करो, मैं आपको एक मिनट का समय देता हूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, डेटा डिकोडेड है, लेट मी नो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 171 किलोमीटर इन द स्टिल वाटर एंड 257.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द रिवर ऑफ गंगा। क्वेश्चन आसान है, पहला मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा सर। What is the time taken by? रिंकू कह रही है डन सर, वेरी वेल डन रिंकू जी, बहुत बढ़िया शाबाश। श्रीकांत कह रहे डन, ट्विंकल इज डन, एक डन और मिलेगा तो मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूंगा सर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेटिंग फॉर द डन, एक डन और चाहिए मुझे, बताओ फटाफट। अरे क्वेश्चन डेटा से आपको लगाव हो जाएगा, चिंता मत करो, डेटा आपको देखते ही क्या होगा, मज़ा आएगा करने में, डेटा बड़ा शानदार चीज़ है, चिंता मत करो, ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे आंसर बताओ क्या बनेगा,
लेट मी नो करेक्ट आंसर क्या बनेगा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. किस किस का सही हुआ मुझे बताओ. मज़ा आ रहा है डेटा करके. देखो मुश्किल डेटा करने में एक अलग ही खुशी है. जब हम मुश्किल डेटा करते हैं ना एक अलग ही खुशी आती है कि यार समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है. अगले किसी भी क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं सर. ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया. सुनो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. आप बोला गया है 171 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है और 257.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है. तो इसकी बोट की स्पीड से डिवाइड करोगे, इसको डाउनस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड करोगे, टाइम निकाल लोगे. कौन सा रिवर है बताओ, कौन सा रिवर है. गंगा रिवर है. गंगा रिवर की बात करें तो बोट की स्पीड क्या है 9.5, मतलब इसकी जगह पे 9.5 लिख देंगे. और डाउनस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू क्या है 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे. इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे कितना आएगा. 171 को 9.5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा डिवाइड करोगे. तो डिवाइड कर लो साइड में, 171 डिवाइड बाई में 9.5, तो वन बारी में जाएगा 9.56, या बचा 16 में से 7, 9 गया 7, 0, तो ये बन गया आपके पास 4. कितना आ गया 1.8 × 5 = 40, 8 × 9 = 76, 1.8 कितना आएगा 18 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 18 प्लस. इसको डिवाइड करोगे 11 से, 11 × 2 = 22, 3 बचेगा, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, कितना आएगा सर ये आएगा 23.4. कितना आएगा 23.4, 23.4 आएगा ना मुझे बताओ. ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा 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 एक चीज़ आपने देखा नहीं यहाँ पे. अब देखो ना इसको आप करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे मीटर सेकंड में दे रखा है, तो किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे इस 18 को, देखो ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से सॉरी. इसको किलोमीटर में भी चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा ये हमने देखा नहीं पहले, थोड़ा सा इसको सही करके ले लेते हैं. देखो अगर आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो कैसे चेंज हो जाएगा. सर ये वाली स्पीड कितनी दे रखी थी बताओ 9.5, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा बताओ. किस से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए. 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5/18 से, 5/18 से. हाँ जी बताओ जरा मुझे, 18/5 से करते हैं. वेरी गुड स्वीटी, वेरी वेल डन, शाबाश. उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यही सुनना था आप लोगों से, यही सुनना था. क्या करते हैं सर 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा मुझे बताओ कि रीज़न क्या है. अच्छा मुझे बताओ किलोमीटर ज़्यादा होता है कि मीटर ज़्यादा होता है, किलोमीटर ज़्यादा होता है कि मीटर ज़्यादा होता है मुझे बताओ. आज कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं. अरे नहीं 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 संख्या की बात कर रहा हूँ. किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर ज़्यादा होगा ना. इसलिए जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो बड़े वाले वैल्यू को ऊपर रखते हैं, समझ रहे हो, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और छोटे वाली वैल्यू को नीचे रखते हैं. तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है सर. चलो 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 शाबाश शाबाश, क्लियर है क्लियर. 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 × 18/5. तो आपने सिंपल डिवाइड किया तो ये कितना आया था, ये कितना आया था 18 आया था ना, 18 × 18 × क्या करोगे बताओ मुझे, 5/18 हो जाएगा. तो ये कटाओगे 5 घंटा निकलेगा प्लस. इसको आपने सॉल्व किया था कितना आया था 234 आया था ना, तो 234 × 5/18 करोगे, 18 × 18 = 54, 13 × 5 = 65 आ जाएगा 6.5. 11.5 का मतलब क्या होता है 11 घंटा 30 मिनट. तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, क्या आंसर आ जाएगा 11 घंटा 30 मिनट. अगले क्वेश्चन पे चलें, सबको समझ में आ गया. पहले क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगाया हमने, समझ में आ गया. चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, कई लोग कह रहे सर रिपीट कर दो, रिपीट एक बार और कर देता हूँ. देखो यहाँ पे आपको पास बोला गया था, आपके पास बोला गया था सर 171 किलोमीटर बोट की स्पीड से स्टिल वाटर में जाना है गंगा रिवर में. कितना स्पीड है 9.5, ये मीटर पर सेकंड है. इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 50 क्या करेंगे सर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 257.4 किलोमीटर
डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जाना है 11, इसको भी 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करोगे तो 11 घंटा 30 मिनट आएगा। सर एक बार डायग्राम, मैं जस्ट अभी आई, डायग्राम में आपको देखो ना अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है ब्लू लाइन से, जैसे गंगा रिवर में अपस्ट्रीम स्पीड है, यमुना रिवर में अपस्ट्रीम स्पीड है, सतलुज रिवर में ये अपस्ट्रीम स्पीड है, ब्यास रिवर में ये अपस्ट्रीम स्पीड है, सिंधु रिवर में ये अपस्ट्रीम स्पीड है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है रेड लाइन से ये वाला। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आराम से थोड़ा सांस लेके आंसर करो, आसान क्वेश्चन से हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, बताइए। चलिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं यस पे क्लिक कीजिए कृपया करके। चलिए, एक बोट है जो 25.5 किलोमीटर स्टील वाटर में सतलुज रिवर में जाता है, फिर 81 किलोमीटर स्टील वाटर में ब्यास रिवर में जाता है, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन होल दी जर्नी? होल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी सर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन दे दूं? चलो एक डन या दो डन मुझे मिलेगा तो मैं ऑप्शन दे दूंगा, मुझे आंसर बताना देन, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन दे दिया जाए, बताओ कंफ्यूज हो रहे हो? बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक बोट है 25.5 किलोमीटर स्टील वाटर में सतलुज रिवर में गया, उसके बाद सेम बोट जो है 81 किलोमीटर किस में गया? ब्यास रिवर में गया, देन व्हाट इज़ दी स्पीड ऑफ बोट इन होल द जर्नी? सर पहले वाले की छूट गया, थोड़ा बैक कर दो, बाद में करता हूँ। श्वेता पहले इसका आंसर करो, बाद में करता हूँ मैं, पहले इसका आंसर करो। ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे आंसर बताइए, क्योंकि इस अब तक हो जाना चाहिए। चलिए सुमन कुमार गौरव एंड दीक्षा, अब तक करेक्ट आंसर मुझे मिल गया है। चलो देखते हैं क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है ना, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय में टोटल टाइम, सबको मालूम है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 25.5 किलोमीटर गया प्लस 81 किलोमीटर गया, अब इनको कवर करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम कितना आएगा? देखो ना सर, 25.5 किलोमीटर किस में गया है? स्टिल वाटर ऑफ सतलुज, सतलुज में स्पीड क्या आएगी मुझे बताओ? 8.5 की आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, प्लस 81 किलोमीटर किस में गया है? 81 किलोमीटर गया है ब्यास में, ब्यास में स्पीड क्या आएगी? 13.5 आएगी। अच्छा इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आता है सर? इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 25 255 इंटू में 85 इंटू में 18/5 प्लस में 81, 810 ले लो इसको, ये 135 ले लो, ये बनेगा 18/5। 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया है, हमें इसको किलोमीटर पर घंटे में बनाना है, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो सॉल्व कर लो क्या बनेगा, इसको 5 से करोगे 17 बारी में जाएगा, ठीक है, और 17 से ये कितनी बार में जाएगा? 17 × 17 = 85, कितना बनेगा मुझे बताओ? नुशा है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 27 आ जाएगा, ये 27 से 30 बारी में आ जाएगा, 6 से 5 बारी में, 6 से 3 बारी में, ये बनेगा 15/18 + 5/3,
इसको सॉल्व कर लो, कितना बनता है टोटल, सॉल्व कर लो कितना बनता है, ये कितना बन जाएगा, एलसीएम 18 आ जाएगा प्लस 15, 6 पचे 30, 45 बाई में 18, इसको सॉल्व करोगे 15 बाई में 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 बाई में 6। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 5 बाई में 2, 5 बाई में 2 भी तो आ जाएगा ना, 5 बाई में 2 आ जाएगा, मतलब 2.5 घंटे, 2.5 से डिवाइड कर दो, 2.5 से डिवाइड कर दो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.5, 5 और 1 6 और 8 1 2 10, इसको 2.5 से डिवाइड कर लो, 2.5 से डिवाइड करोगे इसको 25 ले लो, 0 हटा दो, तो 25 चौका 100 बनेगा, 6 बनेगा, फिर 0 आ जाएगा, कितना बनेगा 25 दूना 50, 25 छक 150, 42.6 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको क्या किया हमने, बताओ सब लोग, किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा ही। मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 बजे का सेशन जो होता है वो मेंस के लिए डेडिकेटेड है, तो कृपया आप लोग तैयारी करके आया करो थोड़ा सा टेंशन झेलने के लिए, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन फिर से कर दो, श्वेता कह रही है, श्वेता इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 5/2, और 5/2 को डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 42.6, दोबारा कर लो आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो 2 मिनट का समय देता हूँ, कितने मिनट का समय, 2 मिनट का समय इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई कीजिए। अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डाउनस्ट्रीम इन रिवर यमुना एंड कम बैक टू द सर्टेन प्लेस सी अपस्ट्रीम इन 7 आवर 30 मिनट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज 90% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट। सर 5 बजे की क्लास चेंज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं होता है मेरा। देखो 5 बजे वाली क्लास आज तो कैंसिल है, पहली बात तो ये, आज 5 बजे वाली क्लास नहीं है, ठीक है, तो कल से देखता हूँ मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। टाइम बताओ सब लोग एक बार, मुझे सजेस्ट कर दो किसके पास कब टाइम है, फिर उसके हिसाब से देख लेंगे। हाँ जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नाइन पी एम 9 बजे रात को 4 से 5 कर दो, 11 बजे ही ठीक है, 11 बजे तो चलेगा ही डेली। सर दीक्षा जी यही तो क्लास डेली चलती है 11 बजे, वो दूसरी DI है फॉर प्रीलिम्स, ठीक। अच्छा बाद में बात करते हैं, जल्दी कैलकुलेशन नहीं हो पाता मुझसे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी, प्रैक्टिस करो टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसी का आया क्या, अ बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डाउनस्ट्रीम इन द रिवर यमुना एंड कम बैक टू द पॉइंट सी अपस्ट्रीम इन 7 आवर 90 मिनट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज 90% द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। कोई है ऐसा जनाब जिसका आंसर आ गया, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, मुझे आंसर बताओ, क्योंकि 2 मिनट से भी ज़्यादा समय मैंने दे दिया, बताइए क्या आंसर होगा इसका, लेट मी नो। ऑप्शन देख के टिक मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुमार गौरव सी बोल रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट जी, मेरा भी रॉन्ग, सबका रॉन्ग, मेरा रॉन्ग, आपका रॉन्ग, तेरा रॉन्ग, सबका रॉन्ग, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, पूछूं आपसे, ठीक है चलो पूछता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। डिस्टेंस बोला है ए के बीच के बीच में गया, कितना गया, ए और बी के बीच में गया, किसके बीच में गया, ए और बी के बीच में गया, गया कि नहीं गया, यहाँ से डाउनस्ट्रीम गया, यहाँ से डाउनस्ट्रीम गया, वापिस आया तो अपस्ट्रीम आया, और वो ए पे नहीं पहुंचा, सी पे पहुंचा, कहाँ पहुंचा, सी पे पहुंचा, समझ रहे हो मैंने क्या बोल रहा हूँ।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर आप 10x लोगे तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस 9x आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि ए बोट जो है ए से बी गया डाउन स्ट्रीम, वापिस आते समय सी तक आया अप स्ट्रीम, बी और सी का डिस्टेंस 90% है ए और बी के डिस्टेंस का, तो मैंने ए और बी का डिस्टेंस 10x मान लिया तो बी और सी का डिस्टेंस 9x आ गया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो कितना होगा मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा कितना होगा? तो जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इक्वेशन में जाने से पहले ये सोच सकते हो मुझे बताओ, जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है साक्षी, पहले मैं ये वाला तरीका बता देना चाहता हूँ। दूसरा तरीका भी है, पहले हम चेक करते हैं 250.5 को 19 से डिवाइड करके देखते हैं कटता है कि नहीं। 19 से कम 19, 6 बच गया, 19 या 57 होता है, 3 बचेगा, 19 से नहीं कटेगा, इसको काट दो। 252.5 चेक कर लो, 19 से कटाओगे, 19 से कम 19, 6 बचेगा, 19 या 57, 5 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी काट दो। 254.5 19 से डिवाइड करो, 19 एकम 19, 6 बचेगा, 19 या 57, 7 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी काट दो। 256.5 19 से डिवाइड करो, 19 एकम 19, 5 6 बचेगा, 19 या 57 और 19 पचे 95, ये कट रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? ठीक है, एक तो ये तरीका है। देखो पेपर वाला स्मार्ट होता है थोड़ा सा, आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई क्लू देगा जहाँ से आप क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन डी बन रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। और एक और तरीका क्या है जो लॉन्ग कट है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। सर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सर जो भी हो सकती है लेकिन होगा तो 19 का मल्टीपल ही ना, टोटल डिस्टेंस जो भी आएगा वो 19 का मल्टीपल होगा, ये तो मालूम है ना सबको, क्योंकि 19 एक्स की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना बताओ मुझे। तो आंसर में जो भी वैल्यू होगी वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक तो तरीका ये है जल्दी करने का, और बेसिक तरीका क्या है वो समझ लो। कहोगे सर ये तो शॉर्टकट है, ये तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आप बेसिक तरीका बताओ। चलो बेसिक तरीका भी सीख लेते हैं, वो भी आसान है, वो भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, कौन से रिवर की बात की गई है मुझे बताओ, इसमें कौन से रिवर की बात की गई है? यमुना रिवर की बात की गई है। अगर यमुना रिवर में 10x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाऊंगा, यमुना रिवर में डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या थी? सर डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी 12.5, क्या थी? 12.5, और इसको भी मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आया तो कितना आया? आया तो 9x आया, और किस स्पीड से आया? अपस्ट्रीम स्पीड से आया। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 7.5, और इसको भी हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन समझ में आया सबको? यमुना रिवर में 10x की डिस्टेंस को 12.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से सॉल्व किया गया, और 9x की डिस्टेंस को 7.5 की स्पीड से पर मीटर की सेकंड की स्पीड से सॉल्व किया गया। समझ में आ गया सबको? अच्छा सॉल्व कर लो अगर समझ में आ गया तो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2.5, ये बनेगा आपका 1.5। ठीक है, अच्छा ये 9 से 2 बारी में कट जाएगा, ठीक है, और ये 25 से ये 4 बारी में कट जाएगा, ये 2 बारी में कट जाएगा, ये 9 बारी में कट जाएगा, क्या बनेगा? 2x/9 प्लस x/3, क्या बनेगा? x/3, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 9 2x प्लस में 3x इज इक्वल्स टू, में देखो ना यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या बनेगा? 5x इज इक्वल्स टू में बाई में 9, टाइम कितना लगा था? टाइम लगा था 7 घंटा 30 मिनट, तो 7 घंटा 30 मिनट को 7.5 लिखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू में 9 डिवाइड बाई में 5, और हमें कितने की निकालनी है? हमें 19x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको 19 से भी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? समझ में आ गया दोनों तरीके? बताओ मुझे, किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो। देखो ये मेंस के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा टेंशन भी सहना पड़ेगा, समझ रहे हो? डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे। देखो मुझे अभी 40 लोग देख रहे हैं, 40 लोग, लेकिन कमेंट बॉक्स में सिर्फ 4-5 लोग यस सर नो सर बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अगर नहीं समझ में आता तो बताओ मुझे, मैं समझाऊंगा।
श्वेता कह रही है फिर से समझा दो सर। चलिए सर रिपीट 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 रिपीट, चलो एक बार रिपीट और कर देते हैं क्योंकि समझाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कई लोग कहेंगे सर क्या एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हो, लेकिन देखो इम्पॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है, तो समझ लेते हैं एक बार और। कलर चेंज कर देता हूँ फॉर योर बढ़िया के लिए। देखो ना यहाँ पे बोला गया कि 10x किलोमीटर किसकी स्पीड से गया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड से गया। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या थी, 12.5 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आते समय 9x किलोमीटर आया वापस और 7.5 की स्पीड से आया बिकॉज अपस्ट्रीम आया, और इसको भी आप किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो ना इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5 से 2.5 बारी में जाएगा और ये 2.5 से 4 बारी में जाएगा, ये 4 से 2 से 2 बारी में जाएगा, 2 से 9 बारी में जाएगा, इट विल बिकम 2x/9 प्लस में। इसको सॉल्व करोगे ये 1.5 आएगा, ये 6 बारी में जाएगा और ये 3 से 2 बारी में जाएगा, सॉरी 6 से 1 बारी में जाएगा, 6 से 3 बारी में जाएगा, दिस विल बिकम x/3। इसको सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू आ जाएगी 19x की वैल्यू निकाल लेना, आंसर निकाल लेना, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया, किसी के पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, दौड़ के आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन रिवर ब्यास इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मिनट का समय लो और 100% करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन रिवर ऑफ ब्यास इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन रिवर सतलुज। एक मिनट के बाद ऑप्शन दूंगा, सब लोग मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलो, अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन दे दूं, कर लिया सॉल्व। ब्यास का बोट का स्पीड, ब्यास का बोट का स्पीड एंड डिवाइड बाय में, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ सतलुज रिवर। आई एम प्रोवाइडिंग दी ऑप्शन, लेट मी नो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर्स की लड़ियाँ लग रही हैं, रजत, श्रीकांत, रिंकू, राहुल, सुमन, ट्विंकल, गौतम, श्वेता। क्या बात है, आसान क्वेश्चन था ना ये वाला। राजेश जी थोड़ा पेशेंस रखिए, आंसर आपको पता लग जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये देखो हमेशा पेपर में मैं बोलता आया हूँ, अगर 5 क्वेश्चन का सेट होगा ना, एक या दो क्वेश्चन इतना आसान होगा कि आप कर सकते हो। तो अगर पेपर में कभी आपका सर दुख जाए कि मुझे ये डेटा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो, एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो अटैम्प्ट हो जाएगा बिना किसी चीज़ को किए हुए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है सर आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन द रिवर ऑफ ब्यास। ब्यास की बात करें तो बोट की स्पीड क्या आएगी सर, बोट की स्पीड आएगी 13.5, सबने कैलकुलेट किया हुआ है ना 13.5। व्हाट परसेंट मोर की बात कर रहा, माइनस लगा देंगे, देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ रिवर सतलुज। सतलुज रिवर में देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा बताओ मुझे सर, 10.5 आएगा। कितना आएगा, 10.5 डिवाइड बाय में 10.5, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 13 में से 5 गया 3 बचेगा, 3 बटे में 10.5 इंटू में 100, इसके कितने परसेंट के आसपास होता है, 30% के आसपास होता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सबको, 10.5 का 30% निकालोगे तो 31 के आसपास आएगा, तो हमें 30% के आसपास आंसर सिर्फ यही वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, पानी भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं हिमांगी, थोड़ा प्रैक्टिस करो, परसेंटेज में होगा तो माइनस हो, परसेंटेज मोर होगा तो माइनस होगा। माइनस क्यों होगा जी, परसेंटेज मोर में देखो ना यहाँ पे, हाँ परसेंटेज मोर की बात करेगा तो माइनस ही करेंगे ना, कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है का मतलब इससे कितना परसेंट ज़्यादा है पहले डिफरेंस निकालेंगे फिर बाद वाले से डिवाइड कर देंगे। देखो अगर बोट एंड स्ट्रीम में दिक्कत है आप लोगों को, लेस में भी सेम करेंगे, अगर बोट एंड स्ट्रीम में आपको दिक्कत है पहले तो आप लोग ये समझो कि बोट की स्पीड क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है।
अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जरा, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। अन्नू वेलकम टू द सेशन, 2 मिनट का समय दूंगा, आंसर बताइए। आफ्टर रेन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन द रिवर सिंधु इज डिक्रीज बाई 20%। बारिश के बाद सिंधु रिवर में स्ट्रीम की स्पीड 20% बढ़ गई। ड्यू टू लो विजिबिलिटी, कम दिखाई देने के कारण बोट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई 20% से। फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 1422 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 1044 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द रिवर ऑफ सिंधु आफ्टर रेन। आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। करो, शाबाश, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके ठीक है, बारिश के बाद रिवर की जो स्ट्रीम की स्पीड थी 20% बढ़ गई, बोट की स्पीड 20% कम हो गई सिंधु रिवर में, तो 1422 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 1044 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? ऑप्शंस दे दूं? कुछ बोलो हाँ या ना बोलो सब लोग। राजेश कह रहे सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर। कोई बात नहीं राजेश जी, कंफ्यूजन को थोड़ा रखो, पेशेंस बनाए रखो, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे करेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, अरे आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है सर। चार ही ऑप्शन है इसके अंदर ऊपर से। चलो ट्राई करो, 1 मिनट का समय और दिया, ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ क्योंकि और मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, लेट मी नो करेक्ट आंसर क्या बने। सर रीजनिंग की मेंस क्लास भी लेते हो? जी राहुल जी, सुबह 9 से 10 में क्लास होती है, 9:05 पे डेली क्लास होती है। समझ में नहीं आया, राजेश कह रहे हैं समझ में नहीं आया। किस किस को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट बताइए। चलिए डन, राहुल कह रहे डन सर, वेरी गुड राहुल जी। सुमन कुमारी, श्रीकांत एंड राहुल गर, 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात, चलो बहुत बढ़िया। देखते हैं ना कैसे करेंगे, देखते हैं ना कैसे करेंगे, देखते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस रिवर के बारे में बात हुई है? अब सब कुछ छोड़ दो, मुझे बताओ किस रिवर के बारे में बात हुई है? सतलुज के बारे में बात हुई है। किस रिवर के बारे में बात हुई है? सतलुज के बारे में, कि सिंधु के बारे में? सिंधु रिवर के बारे में बात हुई, सिंधु रिवर। अच्छा सिंधु रिवर में अगर हम जाएंगे तो पुराने टाइम पे आप देखोगे बोट की स्पीड क्या थी हमारे पास, बताओ बोट की स्पीड क्या थी? सर बोट की स्पीड 13 थी। अच्छा स्ट्रीम की स्पीड क्या थी? स्ट्रीम की स्पीड 4.5 थी। पहले से मालूम है ना ये? अच्छा बारिश की वजह से क्या हुआ? सर बारिश की वजह से स्ट्रीम की स्पीड 20% बढ़ गई, तो इसका 120% कर दो कितना आ जाएगा? सर अब स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 5.4, कितनी आ जाएगी? 5.4, और इसकी वैल्यू 20% गिर गई मतलब 80% हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी मुझे बताओ? 13/2 कितना होता है? 10.4, मतलब बोट की नई स्पीड आ गई 10.4। अच्छा इसमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या बनेगी? 10.4 प्लस में 5.4, और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या बनेगी? 10.4 माइनस में 5.4 बनेगी ना, तो ये बन जाएगा 15.8 और ये बन जाएगा आपका 5। बहुत मुश्किल था क्या? बहुत मुश्किल था क्या बताओ ना। अब बोला गया है कि 1422 किलोमीटर हमें जाना है डाउनस्ट्रीम, स्पीड है 15.8 प्लस में 1044 किलोमीटर जाना है, नहीं सॉरी फाइंड द टाइम, ठीक है अपस्ट्रीम जाना है, अपस्ट्रीम कर दो 5। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके दिखाऊं मैं कैसे होगा बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ?
आज तो मैं टॉप 10 से बाहर रहूँगा। कोई बात नहीं, 120% कैसे किए हैं? 120% कैसे किए हैं सर? देखो ना, बोला इंक्रीज बाय 20%। अगर 20% बढ़ गया मतलब कोई चीज़ 100% थी तो वो 20% बढ़ के 120% हो जाएगी, तो सीधा 20% ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है? तो 4.5 का 120% करोगे तो 5.4 आता है। इसको सॉल्व करो जरा, कैसे होगा सॉल्व? अच्छा देखो, ये 5 से 5 कट गया, 18 से इसको कटा लो, 18 से कट जाता है, 18 पच्चे 90 होता है और 18 बटे 144 होता है, ठीक है? तो कितना आ गया, ये 58 आ गया। अच्छा इसको सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, ठीक है? तो क्या बनेगा, 14220 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई में 58 इंटू में 18, ठीक है? तो इसको कर लेते हैं सॉल्व जरा, 18 से डिवाइड कर लो इसको, 18 से डिवाइड करोगे, 18 सत्य कितना होता है मुझे बताओ, 18 सत्य कितना होता है, 126, क्या बचेगा 16, 18 नवा 162, ज़ीरो, ठीक है? और ये कट जाएगा इससे बताओ, 58 से कटेगा, ये 58 से कट जाएगा। अच्छा 15.8 है क्या? अच्छा 15.8 है, सॉरी 15.8 है, ठीक है, इसको 15.8 लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट तो वैसे ही हटा दिया मैंने सर। अब ये 158 से कटाओगे कितनी बारी में कटेगा, 5 बारी में कटेगा ना, 5 बारी में। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 और 58 को जोड़ लो, 8 5 13, 5 2 7 1 8, कितने घंटे लगेंगे, 83 घंटे लगेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, घर पे भी एक बार ट्राई कर लेना। एंड बोट एंड स्ट्रीम में डाउट हो तो कृपया आप 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बोट एंड स्ट्रीम का, दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नया क्वेश्चन लगाता हूँ। बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर ही है ये भी क्वेश्चन बोट स्ट्रीम के ऊपर ही है और आसान क्वेश्चन है कंपेरेटिवली पिछले वाले से। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे बताओ। सर आप समझाते हो तो पूरा समझ में आ जाता है, बट बनाने टाइम माइंड काम नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी कम है अभी हिमांगी। थोड़ी प्रैक्टिस और करोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है? हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं है इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत होता है, सबको दिक्कत होता है। पहले मैं भी करता था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होता था, ऐसा थोड़ी ना कि दिक्कत नहीं होता था। चलो इसका आंसर बताओ, स्टडी दी बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा बताओ, ब्लू वाली लाइन से क्या डिनोट किया गया है? ब्लू वाली लाइन का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ये क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ बोट। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी स्पीड आएगी? बताओ सब लोग। अरे बोल दो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी। अरे भैया स्ट्रीम की स्पीड प्लस बोट की स्पीड क्या बनती है? बोट की स्पीड प्लस में स्ट्रीम की स्पीड क्या बनती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड बनती है ना, तो डाउनस्ट्रीम बन जाएगा सर। अच्छा दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? अपस्ट्रीम की स्पीड बन जाएगी। क्या बनेगी? ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड बन जाएगी। तो क्वेश्चन में सब कुछ आपको दिया ही हुआ है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ाओ, पढ़ो जरा इसको, 2 मिनट का समय देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ के बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि अगर स्पीड ऑफ बोट सी को बढ़ा दिया जाए 40% से, स्ट्रीम की वैल्यू 20% से गिरा दिया जाए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाई बोट नाउ एंड दैट टेकन बाई प्रीवियसली 200 किलोमीटर। मतलब किसी बोट के द्वारा 200 किलोमीटर का डिफरेंस तय किए जाने में कितना डिफरेंस लगेगा? चलिए बताइए। ओके चलो, 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में टाइम में कितना डिफरेंस आएगा अगर बोट की स्पीड बढ़ा दी जाए, स्पीड की स्ट्रीम कम कर दी जाए, तो क्या करेंगे? दो मिनट का समय है, बताइए।
गौतम जी समय दूंगा मैं, चिंता मत करो गौतम, आप ऑप्शंस में आंसर करना। ऑप्शन दे दूं फिर बताओ मुझे, सब लोग सॉल्व कर लिया तो ऑप्शन दे दूं। ठीक है ऑप्शन देता हूं, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। चलो वेट करता हूँ 30 सेकेंड और। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऑप्शन बताओ आंसर क्या होगा। देख के कि आप लोगों ने ऑप्शन की खुद ट्राई किया है, मुझे बताओ किस किस का आंसर निकला था। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे देख लो एक बार, हटा रहा हूँ मैं इसको। देखो बोर्ड सी की बात हुई है, बोर्ड सी की बात हुई है, बोर्ड सी को देख लो जरा एक बार। बोर्ड सी को अगर देखोगे तो यहाँ पे आप मुझे बताओ बोर्ड की स्पीड कितनी दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है। सर सी वाले में बोर्ड की स्पीड 14 है, स्ट्रीम की स्पीड 12 है। सी वाले की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है। 10 और 6 है, कितना है 10 और 6, कितना है 10 और 6, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी। हमें सिर्फ अपस्ट्रीम चाहिए, डाउन को भूल जाओ, डाउन को भूल जाओ, हमें सिर्फ अपस्ट्रीम चाहिए। 4 निकलेगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सर, बोट की स्पीड में 40% बढ़ोतरी हो गई, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 से 14 हो जाएगी। और स्ट्रीम की स्पीड 20% गिर गई, तो अगर 20% गिर गई तो 6 से 20% गिराओगे कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। अच्छा अब स्ट्रीम, अब आप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी माइनस करोगे तो सर 9.6 आएगी, ठीक है। अब पूछा गया है 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में डिस्टेंस का टाइम का डिफरेंस कितना लगेगा। सर पहले 4 के स्पीड से कर रहे थे, अब कितने की स्पीड से करेंगे, 9.6 की स्पीड से करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 50, माइनस में इसको सॉल्व कर लो, ये 4 से जाएगा 24 बारी में और 4 से जाएगा ये 500 बारी में, और ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा, 9.2 बनेगा क्या, अच्छा ये 9.2 बनेगा, सॉरी 9.2 बनेगा, 9.2 बनेगा, सॉरी 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 9.2। चलो इसको सॉल्व कर लेते ज़रा, बताओ कितना आएगा सॉल्व करके, 200 बटे में 9.2। अच्छा मुझे बताओ एक काम हम कर सकते हैं क्या, माइनस कर दो इसको, डिवाइड कर लो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 46 बारी में। चलो इसको कटाओ, 4 से कट जाता है ये, नहीं कटेगा ना, चलो 2 से कटा लो, ये कट जाएगा आपका 46 बारी में, एंड ये कट जाएगा 100 बारी में, ये कट जाएगा 50 बारी में, ये कट जाएगा 23 बारी में, ठीक है। तो 100 ये 50 बटे में 23 आ जाएगा, जोड़ लो घटा लो, जो आंसर आएगा आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 28/6/23 घंटा, क्लियर है, ठीक है। 23 भी कर सकते हो जी बिल्कुल, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लोगे ना ये वाला आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 21/17/23 नहीं आएगा सर, 28/6/23 आएगा, ठीक है रिंकू, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, इफ स्पीड ऑफ बोट डी इंक्रीज बाय 10% देन व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रैवल 500 किलोमीटर बाय बोट डी इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार ये तो, है ना, ये सबका सही होना चाहिए। अच्छा ठीक है 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 रिंकू, समझ गया मैं, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। चलो अरे राजेश सर आपके पास ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। काहे इतना कंफ्यूज हो सर आप, कंफ्यूजन मत रखो, दिक्कत होएगी सर, ठीक है। इज दिस फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस, जी बिल्कुल कृष्णा जी,
दिस इज़ फॉर SBI क्लर्क मेंस, दिस इज़ फॉर एनी मेंस एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू अटेंड और गिव इन नेक्स्ट 1 or 2 months. SBI क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, RBI क्लर्क मेंस, जो भी मेंस का एग्ज़ाम होगा सबके लिए ये क्वेश्चन सुटेबल है सर. देखो ना क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि स्पीड ऑफ बोट डी डिक्रीज बाई 10%. डी की बात करोगे ये 14 है, डिक्रीज हो जाएगा तो 1.4 डिक्रीज होगी, कितना बनेगा 12.6 बनेगा, कितना बनेगा 12.6 बनेगा. अब बोला गया है कि 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो बोट माइनस में स्ट्रीम कर दो, 10 माइनस में 12.6 करोगे कितना बनेगा, 12.6 माइनस में 10 करोगे तो 15, अच्छा इंक्रीज हो रहा है क्या, अरे 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 इंक्रीज़ हो रहा तो जोड़ दो, जोड़ दोगे तो 15.6 हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा तो जोड़ दो, डिफरेंस निकालोगे तो क्या बनेगा, 15.6 माइनस में 10 तो 1500 बटे में 5.6 विच कम्स टू ऑप्शन नंबर बी 92.6 आवर्स. क्लियर है सबको? ठीक है 15.4 बनेगा और ये बनेगा 5.4. इफ़ यू डिवाइड दिस यू कैन गेट दिस आंसर. ठीक है जी, बिल्कुल एके जी, बिल्कुल समझ गया मैं, चिंता मत कीजिए. क्लियर है सबको? अच्छा 500 है क्या? अरे भैया इस क्वेश्चन ने कितना बेवकूफ़ बनाया, मुझे ये एक लग रहा था, इसको हटाओ, ये 500 है. ठीक है 500 है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन. फिर से श्वेता जी आपको क्या करना था ना, यहाँ पे इसकी स्पीड 14 दे रखी थी, आपको इसमें 10% जोड़ना था, ये बन जाता 15.4. अपस्ट्रीम की स्पीड निकालते, 10 माइनस करते, 4.4 बनता. 500 किलोमीटर को 4.4 की स्पीड से ट्रैवल करना था, आप यहाँ पे टाइम निकाल के आंसर निकाल सकते थे. ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट सी टू द टाइम टेकन बाय बोट डी टू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम? रेशियो बताइए, आंसर दे दूँ? ये तो आसान है यार, दोनों को जोड़ के रेशियो निकालना है सी और डी का. ठीक है वेरी गुड. हेलो सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ वीडियो सेंड कर देना. जी बिल्कुल कर दूंगा स्वीटी, चिंता मत कीजिए. क्वेश्चंस कैसे लगे आप सब लोगों को मुझे बताइए ज़रा, आप लोगों का रिव्यू भी मुझे चाहिए थोड़ा सा. चलो हटाता हूँ मैं इसको. ठीक है तो पूछा हुआ है रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट. टाइम टेकन बाय बोट का मतलब क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड निकालते हैं. अच्छा देखो ना स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्पीड की वैल्यू सर सी की बात करेंगे, स्पीड की वैल्यू कितनी है 10+6=16 और डी की वैल्यू करेंगे तो कितना है 10+14=24. स्पीड की रेशो का उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशो, तो उल्टा कर देंगे सर ये 3 से कट जाएगा 8 से कट जाएगा, 3 बारी में 8 से कट जाएगा, 2 बारी में आंसर आ जाएगा. स्पीड के रेशो का उल्टा होता है टाइम का रेशो, सबको मालूम है ना ये. ठीक है इसलिए मैंने उल्टा लिख दिया और आंसर निकाला. क्लियर है सबको? जी बिल्कुल, शाम को भी मेंस की क्लासें होती है, ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ मेंस पे ही. ठीक है चलिए, डेली की 3 क्लास होती है, सुबह 9 से 10, 11 से 12 और शाम को 7 से 8. 9 से 10 रीजनिंग कराता हूँ, दोपहर में 11 से 12 डेटा और शाम को 7 से 8 मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ द मैथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फिशरमैन गोज 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम बाय यूजिंग बोट ए इन द रिवर ऑफ नील एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 आवर्स. बोट ए का इस्तेमाल करके 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और फिर वापस आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने घंटे में. एक फिशरमैन है जो बोट ए का इस्तेमाल करके 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और फिर वापस आया, कितने घंटे में आएगा बताइए. ऑप्शन दे दूं? ये आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं. अप्रॉक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, अप्रॉक्स निकालो. अप्रॉक्स नहीं निकालना है लेकिन. चलो वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड, वेरी वेल डन, शाबाश.
जब तक अप्रोक्स पूछा ना जाए सर, तब तक अप्रोक्स में आंसर नहीं करना है, जब तक वेरी क्लोज ना हो, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं सर हमारे पास ऑप्शन नंबर ई। कैसे करेंगे, करेंगे कैसे, 120 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम गया तो 120 किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम गया होगा, टाइम निकालना है। अपस्ट्रीम की स्पीड देखो ना कितनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड है 18 माइनस में 10, और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 18 प्लस में 10। सॉल्व करोगे ये बनेगा कितना, 15 प्लस में ये कितना बनेगा, ये 4 से 7 बारी में, ये 30 बारी में, 30 को डिवाइड करोगे 4.5 आता है, जोड़ोगे ये 19.5 आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा। 19.5 घंटे में और 20 घंटे में फ़र्क है, 19.5 घंटे में और 20 घंटे में फ़र्क है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आधे घंटे का फ़र्क है। क्लियर हो गया सबको, आगे चलें। साढ़े तीन आ रहा है क्या, ये 4 से 7 बारी में जाएगा, 4 से 30 बारी में जाएगा, तो 7 को डिवाइड कर 4.5 ही आएगा ना सर, राहुल जी 4 से 7 बारी में जाएगा और 4 से 30 बारी में जाएगा, 4.5 ही आएगा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द 25% डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ डी। चलिए, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द 25% ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ टी। करो फटाफट करो, आखिरी क्वेश्चन है आज का ये, सब लोग करो, ठीक है। हिमांगी, जो आपने क्वेश्चन भेजा था वो मुझे ग्रुप में भेजो, मैं वहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो सॉरी आज कंप्लीट नहीं करा पाऊँगा वो वाला क्वेश्चन, आप मुझे ग्रुप में भेज दो, मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है। नितिन, प्रियांक सिंह एंड सिखाद्री, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे करेंगे, ऑप्शन देता हूँ, मुझे आंसर बताओ। ग्रुप कौन सा, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं पिन कर देता हूँ कमेंट में इसको। चलिए, कैसे करेंगे इसको देखो जरा, पहले लीडर बोर्ड देख लो आज का। तो आज का लीडर बोर्ड है, टॉप पे है सुमन कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10 out of 9, वेरी इम्प्रेसिव। रिंकू सेकेंड पे, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्रीकांत थर्ड पे, AK फोर्थ पे, राहुल गर्ग फिफ्थ पे, गौतम सिक्स्थ पे, रवीना सेवेंथ, मनीष एट्थ, कुमार गौरव नाइन्थ एंड कृष्णा कुमार ऑन 10th। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। इसका PDF मैं थोड़ी देर बाद ग्रुप में डाल दूंगा, तो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगा। पहले इसका आंसर देखो, बी के अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें, बी का अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा सर, 12 में से 14 गया कितना बनेगा, 2 बनेगा, माइनस 25% स्पीड ऑफ डी, डाउनस्ट्रीम स्पीड डी, डी का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, डी का स्पीड डाउनस्ट्रीम कितना है, 10 + 14 = 24 का 25% करोगे कितना आएगा, 24 का 25% करोगे कितना आएगा, तो ये बनेगा आपका 4/6 इंटू में 100, तो 4/6 कितना होता है, ये होता है आपका 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या होगा, 66.67%, तो आंसर आ जाएगा none of the above, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 66.67%, ठीक है। क्लियर है सबको, बताइए सबको क्लियर है ना,